कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद किया गया गांधी पार्क इस सप्ताह पब्लिक के लिए खुल जाएगा। हालांकि शुरुआत में रोजाना कुछ घंटे पार्क सुबह के समय खोला जाएगा, इसके बाद शाम को भी खोलने की तैयारी है। इस दौरान लोगों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना लॉकडाउन के चलते दून के सबसे बड़े गांधी पार्क को भी बंद कर दिया गया था, इसे अभी तक आम पब्लिक के लिए नहीं खोला गया। ऐसे में अब लोग सुबह के समय फिर से मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। मेयर सुनील उलियाल गामा के निर्देश पर गांधी पार्क की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। वहीं पार्क को सैनिटाइज करने के साथ ही फॉगिंग भी कराई जा रही है। गांधी पार्क में अभी केवल मॉर्निंग वॉक करने वालों को ही एंट्री दी जाएगी। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अभी ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क को बंद रखा जाएगा। गांधी पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग सड़क पर टहल रहे हैं। ऐसे में लोगों की सहूलियत को देखते हुए इस सप्ताह गांधी पार्क पब्लिक के लिए खोलने की तैयारी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। शुरुआत में सुबह कुछ घंटे पार्क खुलेगा। कितने लोग एक बार में अंदर जाएंगे, कितनी देर रहेंगे, इसकी भी व्यवस्था बनाई जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।